हेलो गाइस। पहले दोस्तों हमको देना पड़ता था, पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, पहले के ज़माने की, अभी की नहीं। अभी तो एक उंगली घुमाओ और मुजरा आ जाता है। इंस्टाग्राम पे तुम लोगों को ही पता है कितना मुजरा आता है। तो हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले हमको हीरे मोती जवाहरात देना पड़ता था मुजरा देखने के लिए, लेकिन अब कोई मुजरा देखने के लिए हीरे मोती जवाहरात की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेशन पे जाके खड़े रह के फ्री के वाईफाई से भी मुजरा दे सकते हो। चलो दिखाता हूँ आपको मैं मुजरा। आप स्टेशन से, मेरे को याद आया, स्टेशन पे मैंने एक मुजरा देखा था, पहले वो मुजरा देख लो कि फ्री में भी आजकल बिना नेट के बिना वाईफाई के भी मुजरा देखने को मिल जाता है। तो ये मुजरा देखो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। देखो देखो, मैंने जैसे कि वीडियो के अंदर बोला था, वो जो फ्री का मजा उठाने वाले लोग, देखो वहां तालियां बजा रहे थे। देखा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक तो अपनी वाइफ की पीछे से मत लो भाई, सच बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। उसको सही पेन नहीं, होता है, उसको दर्द होता है। जब आपके दर्द पीछे होता से है, कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? आप अपना कैसा मजा देख लगेगा? रहे हो, दूसरे का शरीर नहीं देख रहे हो। आपका शरीर देख रहे हो, दूसरे का शरीर नहीं देख रहे हो। कमेंट वाले लिखते हैं, सुनो जरा क्या लिखते हैं। तुझे कैसे पता, शायद किसी ने तेरी पीछे से ले ली मोटी मोटी, दब 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 दब। नचिया। उसके बाद इस कमेंट का रिप्लाई देखो। इस कमेंट का रिप्लाई ये है, किताब लेके बैठा था, किसी ने पीछे से दब 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 दब। भाई मुठ मंत्री की इज्जत विज्जत करो भाई, वो हमको बचाते हैं, मुट्ठी पहनने से हमको बचाते हैं, हमको कमजोरी से बचाते हैं। और तुम लोग यार इधर अरुण भाई को भी पेल दिया, दब 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 दब, पीछे लेके किताब लेके बैठे थे अरुण भाई, और पीछे से आके कोई पेल गया, दर्द होता है। लेकिन एक बात सच है कि अरुण भाई को कैसे पता कि पीछे दर्द होता है ये सब कुछ? शायद उससे पहले उनका यही काम था। एलविश और बाबू भैया UK07 छपरी है, किस किस को लगता है लाइक कर दो। मैं नहीं बोल रहा भाई, ये लोग बोल रहे वीडियो के अंदर, दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। दूर से बाइक चला के आ रहे हो क्या बाबू भैया? बाबू भैया, बाबू भैया, खुद अपने आप को भैया बुलाते हो? खुद अपने आप को भैया बुलाते हो? स्टार्टिंग में सर नाम गलत रख लिया, मुझे ऐसा लगता था। लड़कों के लिए तो सही है बाबू भैया, बट लाइक फीमेल के लिए मुझे नहीं पता था कि ये थोड़ा सा गलत नाम हो जाएगा। जो भी लड़की मिलती है बाबू भैया बिग फैन, वो थोड़ा सा बाबू भैया बिग फैन। लेकिन यार बाबू भैया के मन में तो कुछ और ही चल रहा है, भैया क्यों बोल रही हो? इसलिए नाम ना सोच समझ के रखना चाहिए। नाम सोच समझ के रखना जी चाहिए, जिस बाबू लड़कों के लिए ना पेल दिया जाओगे, लड़कियों के लिए दिस नो भैया बाबू जान, या जिस बाबू आप भी भाई जान हो सर, तो मैंने सोचा मैं भी भैया बन के काम कर। लेकिन वो लिमिट में भाई जान, भाई लिमिट में, समझ रहे हो? मेरे को ना दुख 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 हो रहा है आपको देख करके, बट मुझे आपको देखना तुक 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 हो रहा है, क्या देख के दुख दुख करने लगा भाई? क्या ये पेड़ा है भाई, कमेंट देखते क्या बोलते हैं लोग इनके बारे में। सलमान भाई ऑन फायर, और बाप रे, बस सलमान भाई तो फायर ही है। परी भैया उड़ उड़ दबंग दबंग, फेम कमाने बेइज्जती करवाने। फेम कमाने आया, बेइज्जती करवाने आया। सलमान भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? सलमान भाई पहले दिन से लेकर अभी तक रोस्ट हो रहा है भाई, मैंने तो देखा नहीं, तुम लोगों को पता हो तो बताओ ऐसा देखा है अभी। दोस्तों आप सब ये आँख वाले लड़के को तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि ये और भूपेंद्र जोगी बाप बेटे हैं? दरअसल जब भूपेंद्र जोगी बिहार रशियन पेलने आए थे, तब ये लड़का यही रह गया था। भूपेंद्र जोगी जब रशियन पेलने आए थे, तब वो लड़का वहीं रह गया था, वो दोनों बाप बेटे थे। इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं कमेंट में देखते हैं सर। आई एक्स भूपेंद्र योगी USA आदित्य कुमार योगी, आई एम फ्रॉम भूपेंद्र योगी, भूपेंद्र योगी सरकार की जय हो। हाय गाइस, तो फाइनली टेस्ला ले ली हमने, और ये सब ले ली मेरी मम्मी के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। माँ हुंदी है, सब माँ के आशीर्वाद से हुआ है। पैसे मैंने लगाए, बाप को कुछ नहीं भाई, बाप को तो भूल जाते, माँ का तो आशीर्वाद है ही सही, लेकिन भाई कमाने भी जाना पड़ता है, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता ऐसे बैठे रहने से। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ नीचे, तो भाई हाँ माँ ने दे दिया आशीर्वाद, भाई कुछ उस पर काम भी करना पड़ता है।
तब जाके आशीर्वाद भी काम आता है। ऐसे आशीर्वाद काम नहीं आता, आशीर्वाद है कल तुमको गोरी बीवी मिल जाएगी, बैठे बैठे बिना पटाए बिना लाइन मारे बिना इधर उधर मुंह मारे अब तुमको गोरी बीवी मिलेगी। तो भाई ऐसा नहीं होता है, बाप की भी इज्जत करोगे। बाप गांड मराने के लिए पैदा हुआ। लेकिन एक सेकंड ये देखो मजा आ जाएगा। तुम मेरी फुद्दी बारे क्यों 24 घंटे सोचता रहता है? क्यों? क्योंकि साडा लंड तोड़ी पुत्ती नाल भांगड़ा करना चाहता सी। ओए बल्ले बल्ले ओए ओए फुद्दी बीच भांगड़ा करना पा चांदा है भाई। क्या ही लोग है वे, बल्ले बल्ले एक जना कमेंट में लिखता है भंगड़ा करना चाहता है। ओए बल्ले बल्ले ओए होए मेरी फुद्दी कौन लेगा भाई। ये इधर ये लड़की रहती ना भाई, ये 50-50-100-100 वाली, ये भी इनका भी अलग ही है भाई। इधर फुद्दी देने आ गए भाई, उधर फुद्दी पीछे भंगड़ा पाना है भाई को। तो गाइज उसने तो उसकी फुद्दी के साथ भंगड़ा पा लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो में, और रणवीर की वीडियो आने वाली है आज ही शाम को। जो भी लोंडे देख रहे थे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दियो, ऐसी वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। और रिएक्शंस भी जो सॉन्ग्स पे रिएक्ट भी हम करते रहते हैं और ट्रेलर पे भी रिएक्ट करते रहते हैं, तो सब कुछ करते रहते हैं। आ जाया करो मुँह धो के यहाँ पे ये सब कुछ देखने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।